वेलकम टू माय वीडियो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये था इनोवा कार्स। आपको अगर ये एसी का ग्रिल चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करेंगे? आप ये खुद से भी चेंज कर सकते हो। इसको यहाँ से डायरेक्ट पुश मत कीजिएगा, इस टूट जाएगा, ठीक है। इसका अलग सिस्टम है, आपको इसको अंदर से तरफ, इसका बैक साइड में अंदर की तरफ एक पत्ती लगा रहता है जिसका दो स्क्रू रहता है, तो दो स्क्रू खोलने से ये जाके बाहर आएगा। तो इसे खोलना कैसा है ये हम दिखाएंगे। तो फर्स्ट आपको ये यहाँ से हैंडल खोल लेना है, ये देख सकते हो, ये हमने हैंडल खोल लिया है। ये हैंडल को फर्स्ट खोलना है, उसके बाद आपको ये खोलना है। यहाँ पे एक हैंडल है, ये हैंडल, इसको यहाँ से खोलना है। ये दो बोल्ट में फंसा है, तो ये दो खोलने से ये हैंडल आपका बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपको जाके यहाँ से आपको ये सीलिंग को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देना है। देख सकते हो मैं खोल लिया है इसको, यहाँ से थोड़ा सा पीछे से खोल देना है। ये सीलिंग को थोड़ा डाउन करेंगे तो आपका हाथ जो है यहाँ से एक्सेस हो जाएगा, सीलिंग के अंदर से यहाँ से आपको एक्सेस मिल जाएगा। फिर यहाँ का दो बोल्ट आप यहाँ से खोल सकते हैं। यहाँ का अंदर की तरफ से जो दो बोल्ट है इसको खोल देने से ये जाके ऐसे बाहर आ जाएगा, ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ से आप खोल सकते हो। ये हो गया पीछे का एसी का वेंट चेंज करने से। सो उस स्क्रू को खोलने के लिए आपको इसी टाइप का एक टूल्स लगेगा, ये देख सकते हो, स्क्वाड ड्राइव है, इसी तरफ का आपका टूल्स लगेगा जिससे आप उस स्क्रू को पीछे के तरफ से खोल सकते हो। ये था ग्रिल, इसमें ये पत्ती ऐसे बैठेगा, ऐसे पत्ती बैठेगा। आपको ये यहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ पे एक स्क्रू है, ये खाली दोनों को खोलना है। इसको खोलने के बाद ही आपको जाके ये बाहर की तरफ से खुलेगा ये, ठीक है। तो ये नया है, इसको हम फिटिंग करेंगे गाड़ी में, ये देख सकते हो, इसको हम अभी ये गाड़ी में फिटिंग करेंगे ये वाला। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अब अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक्स करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।